नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। कर्नाटक के सिलेबस से वीर सावरकर से जुड़ा चैप्टर हटाने को लेकर उनके पोते रंजीत सावरकर ने कहा कि इसका उल्टा असर होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सोचती है कि स्कूल की किताबों से चैप्टर हटाने से स्टूडेंट्स को सावरकर के बारे में पढ़ने से रोक देंगे, लेकिन स्टूडेंट बहुत स्मार्ट है, अगर आप ज़्यादा दबाएंगे तो पलटवार भी ज़्यादा होगा। ये एक नेचुरल रिएक्शन है। उन्होंने न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण देते हुए कहा कि हर एक्शन का बराबर और विपरीत रिएक्शन होता है। रंजीत सावरकर ने एक एजेंसी से बात करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर सावरकर से जुड़ा काफ़ी मटेरियल मौजूद है। सावरकर स्मारक ने उनके साहित्य को वेबसाइट पर पब्लिश किया है। हम इसे कन्नड़ में भी पब्लिश कर रहे हैं। किताब से एक चैप्टर हटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने कक्षा 6 से 10 तक की कन्नड़ और सोशल साइंस की किताबों में कुछ बदलावों को सहमति दी है। इन बदलावों के तहत किताबों से आरएसएस के संस्थापक के बी हेडगावर और वी डी सावरकर से जुड़े चैप्टर्स हटाए जाएंगे। कांग्रेस सरकार ने इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। वहीं भाजपा ने इन बदलावों का विरोध किया है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने 9 जून को कहा था कि इसी साल से स्कूली किताबों का सिलेबस बदल जाएगा। बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर बदलाव किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र किया था। मधु बंगारप्पा घोषणा पत्र समिति के उपाध्यक्ष थे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा कि हमारे पास ऐसे लोगों की कहानियां होनी चाहिए जिन्होंने वास्तव में राष्ट्र के निर्माण में योगदान दिया है। उन्होंने कहा, भाजपा ने अपने वैचारिक मुद्दों को स्कूलों के सिलेबस में डालने की कोशिश की है जो सही नहीं है, इसलिए हमारी सरकार इसमें सुधार करेगी। हम आरएसएस और भाजपा से जुड़े संगठनों को दी गई जमीनों को भी जाँच करवाएंगे। कर्नाटक में सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद कांग्रेस ने कहा कि वे स्कूलों में पढ़ाए जाने वाली किताबों का सिलेबस बदलेंगे। कांग्रेस का कहना है कि हम बच्चों को ऐसा कंटेंट नहीं पढ़ने देंगे जो उनके दिमाग में जहर घोले। इस पूरे मामले पर भाजपा नेता सीएन अश्वथ नारायण ने कहा कि कांग्रेस को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उन्हें जनता ने चुना है, ऐसे में उनकी जिम्मेदारी है कि सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर फैसला करें। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी।